का नाम अमृतसरी हरीसाई क्यों? मेरे दादाजी अमृतसर के थे, वहाँ से आए थे वो। कितना टाइम हो गया सारे सेटल? 17 साल हो गए। हरीसा बेसिकली क्या होता है? हरीसा इसमें दालें होती हैं, गंदम होती है, गोश्त डलता है, देसी घी डलता है, पालक वगैरह ऐड होती है इसमें। इसे बन के आता है तड़का लगा के सर्व जी? ये 9 घंटे में तैयार होता है। इसमें जौ का दलिया पड़ता है, दालें पड़ती हैं, 9 घंटे में इसकी तैयारी होती है। हरीसे में जादू है कि जो एक दफ़ा आता है वो बार बार आने की डिमांड जरूर। जी बिल्कुल, हमारे बड़े भी यहाँ से खाते रहे हैं। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की शॉप है। बस जब से जवान हुए हैं कॉलेज टाइम से लेके अब इधर ही। हाँ जी, क्या खास बात है हरीसे में जो आप लोग यहाँ पर खींच के लेके आए? इसकी खास बात इसका जायका है जो कि शायद मुनफरिद है सबसे। इसमें तब के और अब के क्या डिफरेंस है? रेट्स को नहीं देखते, जायकों के देखते हैं। तकरीबन मैं जब 16 साल का था जब से ये खाने शुरू हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल से मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मलीहा अदनान। नाज़रीन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि सर्दियाँ आ गई हैं, और इसी के साथ साथ हमारे लाहौरियों के दस्तरखान पर हरीसे की महफिलें भी सज चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निस्बत रोड पर वाक़ अमृतसरी हरीसे की शॉप पर। 17 साल पुरानी शॉप है, अंदर चलेंगे, इनके ऑनर से बात करेंगे, इनके हरीसे की रेसिपी भी जानेंगे कि आप वाकई हमें घर पर भी बना सकते हैं या ये खाने के लिए हमें स्पेशली इधर ही आना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। पर इनके ऑनर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस शॉप को कितना टाइम हो चुका है। मेरे साथ सब मौजूद हैं अमृतसर हरीसे के ऑनर, इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अज़हर शहज़ाद। बताइएगा कि इसका नाम अमृतसरी हरीसा ही क्यों? मेरे दादाजी अमृतसर के थे, वहाँ से आए थे वो। वहाँ से मतलब सिलसिला चल रहा है? जी जी। कितना टाइम हो गया सारे सेटल? 17 साल हो गए। 17 साल तो ये अब कौन सी जनरेशन चला रही है? थर्ड सेकेंड? ये थर्ड जनरेशन। क्या क्या खास बात है आप हरीसे में? यहाँ पर मैंने देखा बहुत सी शॉप्स हैं हरीसे की, लेकिन यहाँ पर बहुत रश है। ये अल्लाह पाक का करम है बस, और तो कुछ भी नहीं है। मसालों में ऐसी कोई खास बात है कि लोग यहाँ खींच चले आते हैं? हाँ, मसाले तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के, जो हम डालते हैं इसमें, वो तो कोई मसला नहीं है ऐसा। आप खुद ही बनाते हैं? जी खुद ही बनाते हैं। रेसिपी भी आप लोगों की? रेसिपी अपनी है। बताइएगा, मैं इतनी दिल्ली से वाले कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। हरीसा बेसिकली क्या होता है, क्या किस तरह बनाते हैं इसमें? हरीसा इसमें दालें होती हैं, गंदम होती है, गोश्त डलता है, देसी घी डलता है, पालक वगैरह ऐड होती है इसमें, कबाब भी ऐड होते हैं। जी जी, कबाब होते हैं कीमे के। सब एक ही डिश में ऐड किया जाता है? जी एक ही डिश में सब कुछ। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है? हमारे पास मटन का है और बीफ का है। मोस्ट बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सी जो लोग बहुत पसंद करते हैं? दोनों हैं, दोनों फेवरेट हैं हमारी, मटन भी है बीफ भी है, जो सा कस्टमर लाइक करता है वो हमें सुन देते हैं। और मुझे बताइएगा कि अगर रेट्स की बात करें तो क्या रेट्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स? रेट हमारा बीफ का 2000 है और मटन का 2600 का है। 2600 का, तो ये इसमें कितनी क्वांटिटी आ जाती है? ये तकरीबन 4 आदमी खा लेते हैं 1 kg में। 1 kg होता है, इसमें 4 आदमी आराम से खा लेते। जी जी। कबाबों की क्वान्टिटी कितनी होती है? कबाब जैसे कस्टमर के हम वैसे भी ऐड कर देते हैं। इसको नान के साथ सर्व किया जाता है या राइस के साथ? किस तरह खाया जाता है? नान के साथ। नान के साथ खाते हैं। चलो मुझे दिखाइएगा कि आप लोगों के पास जो हरीसा अंदर बना रहे हैं उनसे हमें मिलते हैं। ये भाई आ जाए, अंदर चलते हैं और उनकी मेकिंग देखते हैं कि इसको सर्व किस तरीके से करते हैं। मैं सब मौजूद हूँ उनके सेटअप पे जहाँ पर हरीसा बन रहा है, उसको तड़का लगाया जा रहा है, देसी घी की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पर। जो यहाँ पर बना रहे हैं इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? जी मोहम्मद असगर। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? यहाँ मुझे 23 साल हो गए हैं। 23 साल से चलिए पे काम? जी। कौन कौन सी वैरायटी क्या कर रहे हैं अभी आप यहाँ? यहाँ पे देसी मुर्गा है, मटन का है और बीफ का है। ठीक है, तो अभी इसको आप तड़का लगा रहे हैं? जी देसी। पीछे से बन के आता है तड़का लगा के सर्व? जी ये 9 घंटे में तैयार होता है। इसमें जौ का दलिया पड़ता है, दालें पड़ती हैं, 9 घंटे में इसकी तैयारी होती है। फिर सुबह यहाँ बेचते हैं, रात को पूरी रात तैयारी होती है, सुबह बेचते हैं। कहें कि हम घर पर बनाए तो घर पर तुम बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 9 घंटे पकाए? जी 9 घंटे में तैयार होती देख। तो इसमें ऐसी क्या खास है? दालें बनती हैं पहले, उसके फिर जौ का दलिया बनता है, फिर मसाले वगैरह डाल के देगों में बनाते हैं, फिर देग के नौ फिर कोटना लगता है इसका, तो वो इसमें 9 घंटे में तैयार होती है। ठीक हो गया। तो इसको तड़का किसी से किस तरह लगाते हैं, क्या ऐड करते हैं? जी इसमें देसी घी डालते हैं, अदरक और साथ में पालक का तड़का लगाते हैं जी, बाद में मसाले वगैरह होते हैं इसमें। पालक भी तड़के में ऐड की जाती है कि पकाई में? तड़के में ऐड की जाती है। बिलैती घी का लगाया जाता है कि देसी घी का? देसी घी का। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है देसी घी की। और यहाँ पर ये हरीसा मतलब रखा भी हुआ है, बन रहा है, कौन कौन सा ये कौन सा हरीसा रखा हुआ? ये मटन का, ये साथ में बीफ का है।
मोस्ट डिमांडिंग है, कौन सा लोग बहुत शौक से खाते हैं? ये मटन का ज़्यादा खाता है, लेकिन रेगुलर हमारा पहले जो वो बीफ का था, तो अब 4-5 साल से हमने लोगों ने मटन तैयार किया है। मुझे बताइएगा कि कहते हैं सर्दियों की सौगात है कि गर्मियों में भी यहाँ पर ऐसे रश होता है जैसे इस वक्त मौजूद? नहीं, गर्मियों में हमारी 3 महीने के लिए शॉप बंद होती है। सर्दियों में मिलता जी, गर्मियों में इसका टेस्ट नहीं रहता, इसलिए हम बंद कर देते हैं। अगर मुझे बताएगा घर पे कोई बनाना चाहे हरी साहब, कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे जल्दी बन जाए? नहीं, जल्दी बनने वाला तो फॉर्मूला नहीं है, वैसे लोग जल्दी में बनाते तो वो जैसे हलीम तैयार हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। आप ये खाना होगा तो उसके लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि घर पे तो आप 8-9 घंटे की इतनी मेहनत नहीं कर सकते। आइए चलिए तो लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है, मेरे साथ चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी कस्टमर्स मौजूद हैं, रश भी काफ़ी नज़र आ रहा है, इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ का टेस्ट कैसा लग रहा है और यहाँ पर कब से आ रहे हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? आगा राशिद मेरा नाम है जी। आपसे बताइएगा कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे। बचपन से? हाँ जी। कितना टाइम हो गया होगा अंदाज़ा? आई एम 39 राइट नाउ, और मेरे कोई अजीज़ आए, दोस्त अहबाब दूसरे शहर से, इवन कराची से भी आते हैं, तो मैं उनको एक बार ज़रूर यहाँ लेकर आता हूँ। फिर वो जब आते हैं हर बार मुझे फरमाइश करते हैं कि वहाँ से हमने हरीसा खाना जाकर। में जादू है कि जो एक दफा आता है वो बार बार आने की डिमांड जरूर है। जी बिल्कुल, हमारे बड़े भी यहाँ से खाते रहे हैं। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की शॉप है और दूसरा इनका जायका बहुत अच्छा है, और बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जितने भी इनके हैं वो फील होता है कि ये नेचुरल है, क्योंकि हम खुद लाहौर से हैं, तो लाहौर के लोग जो है वो बाहर की चीज़ बनी हुई को भी अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी मेहरबानी, शुक्र अल्लाह का। बताइएगा कि आपको यहाँ के हिस्से में ऐसा क्या अच्छा लगता है कि आप लोग यहीं पर? जी हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर और लाहौर का पता है आपको कि लाहौर के जो बासी हैं वो खाने पीने में शौकीन हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे हम ना जाएं जो अच्छी खाने वाली और जायकेदार जगह हो। और लाहौरी खाबों में सर्दियों के मौसम में हरीसा छोड़ देंगे तो हो ही नहीं। और आजकल आपको पता है ठंड भी चंद दिनों से ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से जब भी इधर से चक्कर लगता है, चाहे दूसरे दिन लगे चाहे डेली भी लग जाए, तो फिर लाजमी यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इंजॉय करके फिर जाते हैं। कितने टाइम से आप यहाँ पर आ? मेरी पैदाइश लाहौर की है, तो इसका मतलब है कि इस टाइम मैं 47 का हूँ, तो बस जब से जवान हुए हैं काले टाइम से लेके अब। हाँ जी, रेट्स में क्या फ़र्क? रेट्स में तो महंगाई के साथ साथ लाजमी हर चीज़ में फ़र्क आया है, तो इधर भी फ़र्क आएगा। और पहले खाने के लिए आए थे कभी याद हो तो क्या रेट था? बस वो काले टाइम में आपको पता है जिस तरह होता है कि दोस्तों के साथ मिल के शेयरिंग करके करता, तो उस टाइम बंदे को इतना महसूस नहीं होता और ना रेट का याद होता कि क्या रेट चल रहे हैं। तो अब जो है रेट आपको पता है महंगाई की वजह से हैं, मगर इंशाल्लाह यहाँ का माहौल भी अच्छा है और इनकी जो सफाई सुथराई का भी इनके बेहतर है दूसरों से। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामने सामने कौन? मैम सर क्या नाम है? मेरा नाम रेहान है मैम। कितने टाइम से आ रहे हैं? हमें लाइक बचपन से ही आ रहे हैं, पहले बचपन के साथ आते थे, अभी भाई के साथ आया हूँ, कभी दोस्तों के साथ आते हैं, लगा रहता है यहाँ। क्या क्या खास बात है इनके में जो आप लोगों को यहाँ पर खींच के लेके आए? इसकी ख़ास बात इसका जायका है जो कि शायद मुनफरिद है सबसे इस लाइन में, और भी काफ़ी हरीसे वाले में, इसलिए पूछ रही हूँ ये बात कि यहाँ पर आने की खास वजह? यहाँ पर आने की खास वजह ये है कि बचपन से पेरेंट्स के साथ आते थे, वो यही बताते थे कि यही असली दुकान है, ऑथेंटिक है। नहीं ऑथेंटिक है तो इसी के पास आना है आपने, तो तब से यहीं पर आ रहे हैं बस बचपन से ही। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? गुफरान। क्या खास बात है जो आप हाथ जख्मी होने के बावजूद यहाँ पर हरीसा ट्राई करने के लिए? बस ये सर्दी का मौसम है तो उसके बाद क्या कहते हैं इसका जो टेस्ट है तो वो खींच के ले आता है यहाँ पे। खींच के आता है, क्या खास बात है इनके जायके? देखें जी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, हम बचपन से आते हैं यहाँ पे, अब ऑफिस क्लीयर के साथ दोस्तों के साथ भाइयों के साथ आते हैं यहाँ पे, तो उसके जो जायका है उसी की वजह से यहाँ पे आते हैं। रेट्स में तब के और अब के क्या डिफरेंस है? रेट्स को नहीं देखते, जायकों के देखते हैं। रेट्स को नहीं, फर्क तो आया होगा? फर्क तो आता है, लेकिन जहाँ पे लाहौरी हैं खाने का जो मज़ा हम चखते हैं वो फिर हम रेट्स को नहीं देखते। अच्छी चीज़ महंगी? हाँ हमारे लिए महंगी नहीं होती खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर मजीद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? सर कब से आ रहे हैं? तकरीबन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कुछ हमें तो सुनने को मिला, वरना जिससे भी पूछते हैं वो ये कहते हैं हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं। सर 5 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या खास बात है इनके साथ? इनके और भी यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं तो, लेकिन टेस्ट सबका ट्राई किया वाले। और का ट्राई किया? हाँ जी, इधर और भी हैं, ये सामने भी हैं। और तो इनके टेस्ट में उनके टेस्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इनका मटन का टेस्ट ही, क्योंकि ये डेली फ्रेश लेके आते हैं,
बाकियों का इतना नहीं आता कि मतलब मीट की जो फ्रेशनेस है वो बहुत अच्छी है इनकी, और मसालों की बात बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन इसी वजह से इन्हीं के पास आते हैं और किसी के पास जाते हैं। और आप लोगों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है इसमें? मटन बीफ। जी तो इसमें कुछ और लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर हरीसा इंजॉय करें, इनसे बात करें। सामने जी, वालेकुम अस्सलाम। डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप फोन करें। क्या नाम? मेरा नाम अकील। कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं पिछले 42 साल से आ रहा हूँ। 42 साल? 52 है। हाँ जी। क्या खास बात है इनके हरीसा? इनका हरीसा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और मुझे शुरू से पसंद है। तकरीबन मैं जब 16 साल का था जब से यह खाने शुरू है। 16 साल के थे तब हरीसे का क्या रेट? उस टाइम बहुत मुनासिब था, सस्ता। मेरी 70 साल उम्र हो गई, 70 साल, तो उस टाइम आप देख लें मेरा ख्याल है 50-60 रुपए का बॉल था। अब तो आखिरी बात ही महंगाई के हिसाब से बढ़ गए। बहुत ही यम्मी था, हलीम और निहारी का कुछ मिलता जुलता सा फ्लेवर है इसका, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोग ऑथेंटिक अमृतसरी हरीसा ट्राई करना चाहते हैं तो निस्बत रोड पर मौजूद अमृतसरी हरीसे को जरूर ट्राई कीजिए। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।